हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिर्चू वेब सीरीज यूट्यूब चैनल। गांव में एक भाभी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूड में हमेशा बिताते थे। तो एक दिन वो अपने कमरे में मतलब ड्रेस चेंज कर रही थी, लेकिन उसको पता नहीं चला कि कोई भी आ रहा है या फिर नहीं। तो कुछ टाइम बाद उन्होंने देखी कि उसके ही एक देवर ने घर पे आ चुके थे और उसे ही देख रहे थे। मतलब कि उसके उस हालत में देखते हुए उस देवर का तो आँखें ही बड़ा हो चुका था। तो वो अब घर में घुसकर वो दरवाज़ा भी बंद कर दिया। लेकिन उस भाभी इतना ज़्यादा ठरकी थी कि वो भी मन में मन यही चाहती थी। तो वो उसे मतलब रोकने के बजाय और भी उसे मतलब रोमांटिक हालत में मतलब बिताने लग गई थी। तो ये देखते हुए उस लड़का भी समझ चुके थे कि मतलब भाभी भी इंटरेस्टेड है मेरे से। तो उन दोनों का ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलने लगे, लेकिन उस लड़का जाने वाला नहीं था। तो वो और उस भाभी ने बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट में उस रूम में बिताने लग गए थे और इसे उन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। और उसका जो देवर है वो भी मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे, क्योंकि पहली बार वो अपने भाभी को इस तरह से मतलब पाएंगे, तो वो यही सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। तो उन दोनों ने काफ़ी टाइम तक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट में बिताया। तो अगले दिन मतलब कि उस जो देवर का जो बीबी है उसको मतलब उसका जो भाभी है वो बिल्कुल ही इस तरह से कुछ बातें नहीं बताए थे। तो वो फिर से उसका जब मतलब बीबी ने उसका देवर का जो बीबी है वो जब मार्केट में चली गई, तब देखकर ही उस भाभी फिर से उसके पास पहुंच गई, मतलब कि उस देवर के पास पहुंच गई। और आके ही वो देखी कि उसके देवर खाना खा रहे थे। तो वो देखते हुए मतलब कि उसके देवर बहुत ही जोर जोर से अपने बीबी के ऊपर चिल्लाने लग गया था, क्योंकि मतलब खाने में ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था। उसके बीबी भी बहुत ही ज़्यादा बदतमीज थे, हमेशा मतलब घर पर नहीं रहना चाहती थी। तो ये सारे कुछ उस भाभी ने देख रही थी, लेकिन बाद में वो उसके पास आके बैठ गई और ये बोलने लगी कि तुम्हें अब ये खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अब समझ ही हो चुके होंगे उस भाभी फिर से उस देवर के साथ क्या करने वाली थी। तो कुछ टाइम बाद उस देवर ने खाना साइड में रख कर उस भाभी के साथ बातें करने लगे और फिर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। और फिर वो दोनों काफ़ी टाइम तक एक साथ उस दिन में ही उसके मतलब उसके देवर के कमरे में बिताने लग गए थे, क्योंकि घर पे मतलब उसका बीबी नहीं थे। तो उस भाभी इस मौके का फ़ायदा उठा ली थी और उन दोनों ने बहुत टाइम तक एक साथ बिताई और बहुत ही ज़्यादा मौज कर रहे थे। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक रोमांटिक वेब सीरीज है। अगर आप इस वेब सीरीज के अगले कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इस वेब सीरीज का अगले कहानी और भी ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।